नमस्कार, संत रविदास न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है नवयुवक मंडल जो कि खेलड़ी गड़ासिया जो कि डाना तहसील में पड़ते युवा हमारे साथ है। उन्होंने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया है, एक बाबा साहब की प्रतिमा कठोर मेहनत करके और युवाओं ने एक जज्बा पैदा किया है जो कि बाबा साहब की विचारधारा इनके दिलों में बह रही है और इन लोगों से हम बात करेंगे। और आप सब युवा हमारे साथ में है आज हमारे संत रविदास न्यूज चैनल पर, जो युवा आया है एक जोश के साथ में और एक गौरवान्वित के साथ, कोई अपने आप को उनका दिल ये कह रहा है कि हम बाबा साहब हमारे सीने में बसता है। अभी ये गाना गाया था यहाँ पर, गायक कलाकार आया था उसका क्या नाम था, मनीष, उसने गाना गाया था कि अल्लाह बसे मदीने में और भगवान बसे मंदिर में और बाबा साहब बसे हमारे सीने में, बाबा साहब बसे हमारे सीना में, इस तरह से उन्होंने गाना गाया था। और युवा हमारे साथ में है, ये जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात करेंगे। और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और संदेश दीजिए अपने समाज को कि हमारा युवा किस तरह से आगे बढ़े और किस तरह बाबा साहब की विचारधारा उनके जीवन में प्रभावित हो। मेरा नाम रोहितास कुमार है, मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ और मैं तो हमारी सब लोगों की यही सोच है कि हमारी समाज प्रोग्रेस करे और बाबा साहब की प्रतिमा लाए हैं हमारे यहाँ के सब पूरे गांव के कैंडिडेटों ने सब पूर्ण तरीका से मेहनत की करके ये प्रतिमा प्रस्तावित करी है, तब ये और आगे चल के हम इसकी और आगे बढ़ाएंगे इसे। ठीक सर, धन्यवाद। हाँ जी सर, आप अपना परिचय दीजिए। थोड़ा तेज आवाज़, तेज बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारे इस देशवासियों के लिए और गांव वालों के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि ये हमने हमारे नवयुग मंडल ने ये प्रतिमा लगाई है बाबा साहब की और जो हमारे आगे चलकर हम भी ये प्रतिमा लगाएं और हमारे जो बाबा साहब ने संदेश दिया था हम उन्हीं का पालन करें, उन्हीं बाबा साहब के संदेशों का पालन करते हुए उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए उनको और आगे बढ़ाए। जय भीम, जय भारत। सर मेरा नाम केवल प्रेमी है, गांव खेड़ीगढ़ा से। तो मेरा कहना यही है हमारी समाज से जो हमारे नवयुग मंडल के जितने भी नौजवान साथी हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है वो बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। ये एक ऐतिहासिक बना दिया उन्होंने, एक ऐतिहासिक के रूप में रहेगा। दूसरी बात क्या है, आज हमको इस प्रोग्राम जैसा लगा कि हमारे बाबा साहब आज भी हमारे सामने मौजूद जिंदा है। दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे इस न्यूज चैनल हमारे कोई भी भाई अगर देखे तो मेरा यही कहना है कि जो हमारे यहाँ के बच्चों ने जो नवी मंडल वालों ने ये प्रतिमा का अनावरण किया है, मेरा यही कहना है कि हमारी सब समाज हर जगह इन बच्चों से प्रेरणा ले, मन में ये ठान ले कि हमें हमारे घर में प्रत्येक घर में और प्रत्येक मतलब क्या इंसान के दिल में बाबा साहब को बसाना है। यानी हर प्रत्येक जगह जहाँ पे हमारे लोग हैं वहाँ अपने अपने जगह सब ऐसे बीड़ा उठाए जिनके बीच में बाबा साहब की प्रतिमा रहे, जैसे कि ऐसा लगे हमारे बाबा साहब हमारे साथ में है, अकेलापन महसूस ना रहे। हाँ जी सर, मैं लाला राम अरविंद खिलगड़ा से, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब ने जो आज़ादी हमें दिलाई है उसको खुलकर आनंद से जीने के लिए जो समाज में कुरूतियां हैं उनको मिटाने के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज में बुराई है, मृत्यु भोज, जो तमाम फिजूल खर्ची ब्याह शादियों में लाख रुपए खर्च करते हैं उनको ना करके हम एक सादा तरीके से बिना खर्चे के शादी करें और उस पैसे को हम बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करें तो हमारे समाज का विकास हो सकता है। और जो हमारे छोटे बच्चे नशे के आदि हैं उनको हम सही रास्ते पे लाएं, उनको समझाएं और उनको सही प्रेरणा दें जिससे हमारा समाज आगे बढ़ सके। ठीक सर। हाँ जी सर, आपका परिचय। मेरा नाम साहब गजेंद्र सिंह है, मैं इस चैनल के माध्यम से। तेज बोलो। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, मैं इस चैनल के माध्यम से हम बाबा साहब की पढ़ाई को शिक्षा के रूप में आगे बढ़ाएं और समाज को जोड़ें और समाज में जहाँ शादी उनका कम करें बिना खर्चा की शादी कम करें, यही कहना चाहता हूँ। ठीक है। नाम विकान सिंह है, मैं तो यही कहना चाहूँगा बाबा साहब की जितने भी अच्छे कर्म हैं उनके आधार पर हमारे समाज को जागरूक होना चाहिए और पढ़ाई क्षेत्र में बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। बाबा साहब की जितने भी नियम बनाए उनका पालन करते हुए बाबा साहब की
बातों पर अमल करना चाहिए। ठीक है सर, आपने युवाओं का संदेश सुना हमारे चैनल पे, सब युवाओं ने एक शिक्षा का और एक बाबा साहब को अपने सीने में बसाने का और घरों में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का सब लोगों ने संदेश दिया है, और भाइयों ने एक विवाह सम्मेलन के बारे में भी कहा है कि एक सम्मेलनों में शादी करें और अपने कम खर्चे पर शादियां करें, इस तरह से इन युवाओं ने आप लोगों को संदेश दिया है। और आप हमारे संत रविदास न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय भीम, जय रविदास, नमो बुद्धाय।